जो चाहोगे वो पाओगे। जी हाँ, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, जो चाहोगे वो पाओ। एक संत की एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, उसमें संत ये दो बातें बताते हैं कि अगर आप ये जीवन में उतार लोगे ना, तो आपने जो सोचा है, आपने जो चाहा है जीवन में, वो पा लोगे। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी क्या है ये देखिए। एक बार एक संत गांव के बाहर उनकी कुटिया होती है और वो ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन वो बीच बीच में ये बोलते रहते हैं, जैसे ही ध्यान करते हैं थोड़ी देर, फिर बाद में बोलते हैं जो चाहोगे वो पाओगे, थोड़ी देर वापिस ध्यान करते हैं, फिर वापिस बोलते हैं जो चाहोगे वो पाओगे। गांव के लोग उस संत की कुटिया से बाहर से गुजरते हैं तो गांव के लोग सोचते थे, यार ये संत पागल हो गया, ये पागल संत है, ध्यान भी करता है और बीच बीच में कहता है जो चाहोगे वो पाओगे, क्या है, ये तो पागल हो गए। गांव के लोग उसको वेन्यू नहीं देते, उसकी कुटिया में नहीं जाते। एक बार उस गांव में एक नया व्यक्ति आता है, वो भी उस कुटिया के बाहर से गुजरता है, तो उसमें संत से वो कहते हुए सुनता है जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि यार ये संत ध्यान करते और बीच बीच में ये वाक्य क्यों बोलते हैं। तो एक दिन वो व्यक्ति उस कुटिया के अंदर जाता है, संत ध्यान में बैठे हुए होते, जैसे उनका ध्यान टूटता है और संत बोलते जो चाहोगे वो पाओगे, तो वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसी कोई विद्या दे जो मैं धनवान बन जाऊँ, मैं गरीब से अमीर बन जाऊँ। तो वो संत क्या कहते हैं उस व्यक्ति से, बिल्कुल तुम धनवान बन सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो, अगर तुमने ये दो बातें जीवन में उतार ली, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा, इससे तुम धनवान बन सकते। तो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, अरे वाह यार, लोग तो संत को पागल कह रहे थे, इस संत के पास तो हीरा है, मोती है, मैं तो तुरंत धनवान बन जाऊंगा। तो वह संत उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारे दोनों हाथ आगे करो। वह व्यक्ति दोनों हाथ आगे करता है तो एक हाथ में संत वो हीरा रखता है और कहता है कि ये हीरा है, इसको समय कहते हैं, इसको कभी फिसलने मत देना, अपने जीवन में समय को कभी नष्ट मत करना, अगर तुमने समय को नष्ट कर दिया, ये समय रूपी हीरा है, हीरा, इसको नष्ट कर दिया ना, तो तुम्हारी लाइफ नष्ट हो जाएगी, तुम खत्म हो जाएंगे। दूसरे हाथ में वो मोती रखते हैं, कहते हैं कि ये मोती नाम का धैर्य है, जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, कठिनाई आए, मुसीबत आए, तो इस मोती को धारण कर लेना, तुम्हारे जीवन से दुख और परेशानी आराम से कट जाए। तो ये दो, एक हीरा और एक मोती, हीरा समय, मोती धैर्य तुमको दे रहा हूं, तुम इससे जीवन में अमीर बन सकते। तो उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसने गुरुदेव के चरणों में नमन किया कि वाकई में इंसान जो चाहे वो पा सकता है, किसके बल पर, समय और धैर्य के बल पर। इसलिए आप भी जीवन में समय कभी नष्ट मत करना, और जब भी मुश्किल आए, जब भी कठिनाई आए, तो जीवन में धैर्य रखना,